नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। गया जिले का परैया प्रखंड, जो पहले केवल उग्रवाद के लिए जाना जाता था, लेकिन इन दिनों इसे स्ट्रॉबेरीज के लिए जाना जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गया जिले के परैया प्रखंड के एक किसान हैं दीपक, जिन्होंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की है और इसमें सफलता भी हासिल की है। न केवल दीपक ने अपने लिए सफलता की इबारत लिखी, बल्कि औरों को भी इसकी ट्रेनिंग देकर उन्हें स्वरोजगार के साथ इज्जत से जीना सिखा रहे हैं। उन्होंने अपने मेहनत के बल पर परैया प्रखंड सहित आसपास के जिलों के लोगों के लिए भी एक मिसाल तैयार की है। अब लोग स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और गया की स्ट्रॉबेरी बिहार के साथ साथ आसपास के जिलों में भी सप्लाई की जा रही है। इस विषय में स्ट्रॉबेरी खेती करने वाले किसान दीपक कुमार शर्मा क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। ये हम लोग को कृषि विभाग के द्वारा, जैसे हमारा, हम दीपक कुमार, मेरा नाम हुआ, मेरे पिताजी का नाम श्रेय शर्मा हो गया। मैं ग्राम रजोई रामपुर परैया थाना का निवासी हूँ और हमारा नज़दीकी ब्लॉक केंद्र है परैया, जो कि परैया के द्वारा किसान को भ्रमण के लिए ले जाया जाता था, दूसरे अंतर्राज्यीय राज्यों में ले जाया जाता था, जिसमें हम लोग औरंगाबाद गए थे, फिर वाराणसी गए थे, जलगांव गए थे, जिसमें हम लोग को लगा कि यहाँ धान गेहूं को छोड़ करके एकदम अलग तरीके से लोग खेती कर रहे हैं। तो हमको ये लगा कि हम भी अलग तरीके से नया खेती करें, ताकि हमको उससे 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होवे। अगर 1 बीघा में खेती करते हैं स्ट्रॉबेरी की, तो हमको 4 से 5 लाख रुपया का प्रॉफिट हो जाता है, और 1 बीघा में अगर धान का गेहूँ खेती करते हैं तो हमको 25,000 रुपया का फ़ायदा होता है खर्चा काट के। तो हमको तो लगा कि उससे बढ़िया मेरा 10-15 गुना ज़्यादा फायदा है स्ट्रॉबेरी की खेती करने में। ये हमको मतलब प्रेरणा मिली हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा के द्वारा ले जाने के बाद हमको, और पिछले वर्ष हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ओम प्रकाश मिश्रा थे, वो हमको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किए कि तुम स्ट्रॉबेरी की खेती करो, और उनके द्वारा भी हमको दूसरे राज्य में भ्रमण के लिए ले जाया गया था, जिससे हम लोग को पता चल, हम लोग को लगा कि नहीं, हमको स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहिए। तो हम फर्स्ट टाइम पिछले साल लगाए थे, जिसमें हमको अच्छा बेनिफिट हुआ था, और सरकार के द्वारा भी इसमें हमको ड्रिप इरिगेशन लगाया गया, जिसमें कि हमको 90% अनुदान दिया गया, मल्चिंग लिए उसमें भी हमको अनुदान दिया गया, और पौधा जब लाया तो उस पर भी हमको अनुदान दिया गया। इन सब कुल मिला करके हमको चारों तरफ से अच्छा फ़ायदा हो गया, और इस पिछले साल फल भी बहुत अच्छा निकला था। फिर भी मौसम का मार हुआ, कोरोना का मार हुआ, उसके बावजूद भी हमको अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए हमको लगा कि नहीं, हमको स्ट्रॉबेरी की खेती करना हमारे लिए मतलब आगे के जीवन के लिए ज़्यादा खुशहाल रहेंगे। हम कहाँ से पौधा लाते हैं? इस सतना से लाते हैं, पूना सतना से। कहाँ इसका ज़्यादा मांग है? कलकत्ता, जैसे हमारे यहाँ ऐसे रेयर केस में मांग है तो टाटा भी है, रांची भी है, धनबाद भी है, गया भी है, लेकिन ज़्यादा जिस समय ज़्यादा रेट रहता है, जब 1,000 रुपये ट्रे रहता है, तो उसमें कलकत्ता भेजते हैं, टाटा भेजते हैं। मुनाफे का कितना खेती? मुनाफे का मतलब कि अगर 4 लाख रुपये लगा है तो 8-9 लाख रुपये इसमें आ जाएगा। हाँ, दुगना। शुरुआती इसको कैसे खेती करनी? जैसे शुरुआती तो कोई भी ड्रिप लगाने के बाद ही 5 कट्ठा में करे, 10 कट्ठा में करे, चूंकि अब गया में भी डिमांड, पिछले साल हम अकेले गया संभाल लिए थे, अकेले हम गया में पूरा फल बेचे थे स्ट्रॉबेरी की, दूसरे जगह से नहीं आया था। तो अगर मान लीजिए कि कोई नया किसान आता है, तो अगर वो गया में बेचेगा, हम दूसरे जगह भेजेंगे, हम पटना भी इस बार भेज रहे हैं, कलकत्ता भी भेज रहे हैं, गया में भी भेज रहे हैं, तीनों जगह भेज रहे हैं। सीजन कब से शुरू होता है? ये 15 अक्टूबर से, हम 2 अक्टूबर से इसका मतलब खेत में काम शुरू कर देते हैं, जोतना, कोड़ना, घास निकालना, गनौरा छिटना, इसमें वर्मी कम्पोस्ट छिटने का काम शुरू कर देते हैं। 15 अक्टूबर आते आते हम पौधा बेड बना करके 15 अक्टूबर को पौधा इसमें लगा देते हैं। जी, मांग अभी बढ़ी हुई है? हाँ, मांग हर साल से, इस बार रेट भी अच्छा है। कोरोना को लेकर के हम लोग को तो लगा था कि हम खेती कम करेंगे, तो लेकिन फिर भी खेती अच्छा कर लिया, और अच्छा इसमें रेट भी मिल रहा है, हर साल की अपेक्षा इस बार अच्छा इसका मुआयना मिल रहा है हमको। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। क्या जी? बीकॉम किए हुए। जी जी, बीकॉम किए हुए किसान? हाँ, किसान है हम। तो आपने दीपक कुमार को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की, कितना फ़ायदा कितना नुकसान हो रहा है, और लॉकडाउन की वजह से जो दिक्कतें आई थी उसको किस तरह से सुलझाया जा रहा है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।